हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा टेकवर्स। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक्सुबुंटू। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक्सुबुंटू मतलब उबुंटू की फैमिली का ये। तो और दूसरी बात यह है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। एज़ पर वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल किया था इसको मैंने, और यहाँ पे हम VMware में इंस्टॉल करेंगे। और डाउनलोड लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे वह सामने देख सकते हैं। डाउनलोड लिंक टॉरेंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नॉर्मल नीचे मेरे डाउनलोड इमेजेस दिए हुए हैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ISO फाइल चूज़ करनी है आपको। ISO फाइल डाउनलोड कर लेनी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हमने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, बाकी आपको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, और ब्लॉग पे मेरे अवेलेबल होता ही है, जैसा कि आपको पता है, मेरे पुराने व्यूवर्स को पता होगा, ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसके ऊपर मैंने वर्चुअल बॉक्स में बनाई हुई है वीडियो, तो वहाँ पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए वर्क स्टेशन प्रो 17, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है, आपको इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, वो जाके चेक कर लेना। तो यहाँ से करते हैं नेक्स्ट कस्टम पे, और यहाँ से आपको वर्चुअल वर्क स्टेशन 17.5 लेटेस्ट वर्जन चूज़ कर लेना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जाने के बाद आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर करके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से लिनक्स शो कर रहा है, और यहाँ से कर लेना है उबुंटू चूज़। यू करेंगे उबुंटू आ जाएगा। ठीक है, एंटर मार देंगे उबुंटू 64, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रीनेम करना है, जो भी नाम लिखना चाहते हैं आप वो नाम लिख सकते हैं आप ऑलरेडी। ये देखिए मैंने जैसा कि नाम चेंज कर दिया इसका, यहाँ से जो आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है इसके अंदर। और यहाँ से ब्राउज करके आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, अगर स्पेस नहीं है आपके सी ड्राइव में या जहाँ पे भी आप रख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं आप उबुंटू का, एक्सुबुंटू का। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ से 4GB रैम लेनी है, जैसे कि मैंने कहा कोई मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन मैं आप डाल दूंगा ब्लॉग पे, तो वहाँ से जाके चेक कर लेना। यहाँ से मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन डाल दी हुई है, और यहाँ से यूज नेटवर्क कनेक्शन सेम एज इट इज़ यूज़ रहने देना है। यहाँ से रिकमेंडेशन ही रहने देना है, SCSI ये भी रिकमेंडेशन रहने देना है। और नेक्स्ट करते हैं, क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क। ऑब्वियस सी बात है, क्रिएट करना पड़ेगा, ये एग्जिस्टिंग पे मत करना है, यूज़ फिजिकल पे नहीं करना है, क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क पे करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से मिनिमम 40GB दे देना है आपको स्पेस, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, यहाँ पे कर देना है क्लिक। नेक्स्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा स्पीड से इंस्टॉलेशन होगी और सिंगल फाइल में जनरेट होगा, तो कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से करते हैं हम एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग। अब यहाँ से एडिट करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना था, ISO फाइल भी सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए भी यहाँ आना पड़ता। यहाँ से हम यूज़ ISO इमेजेस। अब यहाँ से जाके आपको डेस्कटॉप पे रखा हुआ दिखाया था मैंने आपको, डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, यहाँ से जाके चेक कर लेना। और यहाँ से जाके हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए सेलेक्ट हो गया हमारा, नेटवर्क कनेक्शन में सेम एज इट इज़ रहने देना है, और USB में 3.0 या जो भी आपका मैक्सिमम शो कर रहा है उसे सेलेक्ट कर लेना है। साउंड ड्राइव में कुछ नहीं करना, डिस्प्ले में कुछ नहीं करना, ओके करके निकल जाते बाहर। अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इसका कैसा है। ये देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन जैसा कि उबुंटू में आता है वैसा एज इट इज़ है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है ट्राई और इंस्टॉल, इस पर क्लिक करते ही हमारा यह ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। मे भी हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम ले, मे बी आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, और इंस्टॉलेशन में भी उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन और आपकी खुद की इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो स्पीड होगी तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है लाइव रन कर रहा है। अब लाइव रन में आपको पता ही है हम रीस्टार्ट करेंगे तो सेम एज इट इज पुरानी सेटिंग आ जाएगी। यहाँ से हमारा डिस्प्ले रिजोल्यूशन चेंज करने का सिस्टम है, तो यहाँ से चेंज कर सकते हो आप, जो भी आपको सपोर्ट करता है, जो भी अच्छा लगता है वो रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सब कुछ सारी चीज़ें हम रन करके चेक कर सकते हैं, सब कुछ ओपन कर सकते हैं। बट अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना है तो आप लाइव रन करके भी देख सकते हैं। अगर आप PC में इंस्टॉल करने जाते हैं, जैसे लो कॉन्फ़िगरेशन PC होती है उसमें इंस्टॉल करने जाते हैं, वहाँ जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, इजीली रन करेगा ये। ये देखिए अब यहाँ से इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिक इंस्टॉलेशन है, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा कि कोई भी मिस मत करना, हो सकता है बीच में कुछ ऐसे कंसेप्ट हो जो बताने पड़े मुझे, तो वहाँ से जाके चेक कर लेना। अब यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज एज इट इज़ रहने दे रहा है इंग्लिश मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्ज़ी आप जो भी चूज़ करना चाहते हो, मैं रिकमेंड करूँगा इंग्लिश ही रहने देना। और यहाँ से कीबोर्ड लेआउट, कीबोर्ड लेआउट जो भी आपका है डिटेक्ट कर सकते हो या टाइप करके पता कर सकते हो,
कि कौन सा लेआउट है आपके में। वैसे एज इट इज़ ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको चेक करने की। यहाँ से जाके यूज वायर कनेक्शन, जैसे कि VMware में इंस्टॉल कर रहे हैं तो वही करना है। यहाँ से इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन और ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, हमें फर्स्ट पे सेलेक्ट करना है इंटरेक्टिव पे, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से देखिए मिनिमल और डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करते हैं। और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ये सब बाद में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है अभी इंस्टॉल करना। इरेज और मैनुअल इंस्टॉलेशन, मैनुअल तब करना है जब इंटरनली आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ VMware में इंस्टॉल कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ से आपको प्रोफाइल बना लेनी है, प्रोफाइल इन द सेंस कि मतलब जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, आपके पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, बस पासवर्ड वही रखना जो भूल ना जाओ, ठीक है। अब यहाँ से करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से जो है आप लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, कोई सी भी लोकेशन, जो भी लोकेशन है आपकी। मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया चूज़ कर लिया मैंने। नेक्स्ट करते हैं, अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करना है, सब कुछ चेक कर लेना है, उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है हमारी। इंस्टॉलेशन में मे बी हाफ एन आवर के करीब लेगा आपका, 25 मिनट 30 मिनट के करीब लेगा, तो उस हिसाब से आपको पेशेंट रखना है। और वो डिपेंड करता है कि आपने कितने GB रैम और प्रोसेसर वगैरह यूज़ किया, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। रीस्टार्ट करते हैं, यहाँ से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से जो है हमारा कट करना पड़ेगा, ये लग रहा है कभी कभी नहीं लेता है, ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, तो उसको कट कर लेते हैं हम। कट करने के बाद आपको करना है यहाँ पे क्लिक, ये देखिए। अब यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एडिट पे चले जाना है। एडिट पे जाने के बाद ISO फाइल रिमूव करनी पड़ेगी आपको, जो भी ISO फाइल हमने सेलेक्ट की थी। यहाँ से चलते हैं CD/DVD पे, और ये देखिए यूज़ फिजिकल ड्राइव पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। यहाँ से ओके करने के बाद आपको करना है पावर ऑन, यहाँ से यस करते हैं। अब यहाँ से जो है थोड़ा सा मे बी स्टार्टिंग में फर्स्ट इंप्रेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ से हमारा Ubuntu स्टार्ट हो गया है, और हम पासवर्ड डालते हैं जो हमने रखा था ऑलरेडी, जैसे कि मैंने कहा था ऑलरेडी इंस्टॉल्ड वह हुआ आएगा। तो यहाँ से इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कैसा देता है रिप्रेजेंटेशन ये। यहाँ से देखिए सारे मतलब जो आपका ओल्ड विंडोज 7 चलाते होंगे या विंडो 10 भी चलाते होंगे उनके लिए भी इजी है ये। हाँ, जो मूव ऑन करना चाहते हैं अपने इसकी तरफ, क्या नाम है, लिनक्स की तरफ, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट है, सिंपल है, इजीएस्ट है, कोई ज़्यादा मतलब पचड़ी नहीं है जिसमें, जैसा कि पहले वाले लिनक्स वगैरह में होते थे, वैसा नहीं, सिंपल है। यहाँ पे ऐप वगैरह सामने ही दे रखा है सब कुछ, यहाँ से डेट टाइम सब कुछ दे रखा है ऑलरेडी। ये देखिए वॉलपेपर वगैरह चेंज करने का, नाम वगैरह रखने का सब कुछ दे रखा है, स्मूथेस्ट है, सिंपलेस्ट है, और वॉलपेपर भी अच्छे अच्छे दे रखे हैं क्या। तो एक काम और किया करो, लाइक कर दिया करो जाते जाते, और सब्सक्राइब का बटन दबा देना। और ये दो चीज़ें और, आप जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो मेरे को PC के कॉन्फ़िगरेशन के साथ किया करो कि आपके PC की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी मुझे आइडिया नहीं होता कि किस PC के लिए कौन सी, मैं सबके लिए अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, तो वो मैं आइडिया नहीं होता मेरे को बताने में, सिंपल हो जाता है। देखिए बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है यहाँ से, देखिए आपके लोगों की वजह से, जो आप लोग अगर सजेस्ट करते हैं मुझे कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वीडियोस बना देता हूँ, अगर कमेंट में जवाब नहीं दे पाता तो। वैसे मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं कमेंट में जवाब देता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, मोस्टली इंस्टाग्राम पे किया करो, वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरा वीडियो है, लाइक करते हुए जाना, कमेंट करते हुए जाना और सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।